वेलकम टू अवामी टाइम्स। नमस्ते, मेरा नाम राकेश कोठारी, मेरी फाउंडेशन का नाम है शेरी एंड दिया फाउंडेशन। इस फाउंडेशन को आज 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं। इस 5 साल के अंदर हमने जो कार्य किए वो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। इस 5 साल के अंदर हमने एनिमल्स के बहुत से रेस्क्यू किए, जितने भी जानवर के ऊपर एक्सीडेंटल या फूड की प्रॉब्लम होती है उसको हमने सॉल्व किया। और हमारा मेन मुद्दा है कि हमें अब शेल्टर हाउस खोलने की ज़रूरत है इन जानवरों के लिए। तो हमने गवर्नमेंट से अपील करता कि मुझे आपकी रिजर्वेशन प्रॉपर्टी कोई भी है तो आप मुझे महाराष्ट्र में दीजिए ताकि हम शेल्टर हाउस वहाँ पर बना सकें। तो ये मेन मुझे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है वहाँ पे। स्पेशली हम लोगों ने, हमें सबसे ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र पुलिस ने हमें बहुत सपोर्ट किया। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने हमें परमिशन दी, क्योंकि 2 दिन तक तो हम नहीं जा पाए थे, क्योंकि हम एवरी डे 450 डॉग बिल्लियों को हम लोग खाना खिलाते थे। लेकिन 2 दिन तक जब ऐसा सडनली लॉकडाउन हुआ था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, लेकिन दिल में बहुत चुभ रहा था कि जानवर लोग हमारी, डॉग हमारा इंतज़ार कर रहे। तो हम लोगों ने पुलिस वालों को हेल्प मांगी कि प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हमें आधा घंटा 1 घंटे की मोहलत दीजिए ताकि हम जाके खाना खिला के आ जाएंगे। हमें कोई बाहर घूमना नहीं है, कुछ नहीं करना। और बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि महाराष्ट्र पुलिस ने हमें बहुत सपोर्ट किया और हमें परमिशन दिया। और इस तरह से पूरे लॉकडाउन में हम लोग एवरी डे हम लोग जाते थे और हम लोग ने उनको जैसे रोज खिलाते थे वैसे खाना खिलाते थे। उपचार जैसे मैडम कभी 5 केस आया, कभी 10 केस आया, कभी 1 भी नहीं आया, जैसे कॉल आते हैं वैसा ट्रीटमेंट करते हैं। और एवरी डे मिनिमम 400 से 500 डॉग और कैट को मिला के हम लोग खाना खिलाते हैं। ये हमारा रोज का है। एनजीओ इसकी स्थापना की, ये रजिस्ट्रेशन मैंने इसके लिए करा कि हम लोग, मैंने कार्ड बनाया है। ये कार्ड इसके लिए बनाया है कि जो भी मेम्बर्स हमारे बंदे, जैसे अभी रोड पर अगर एनिमल क्रुएल्टी होती है ना तो हम अकेले होते हैं ना, तो हम सोचते हैं कौन झगड़ा करे या पुलिस हमारा केस लेगा कि नहीं लेगा। तो ये हमारे के एक ऐसा कार्ड है, उस कार्ड के पीछे हम लोग ने पूरा एक्ट लिखा है। उस एक्ट के अंदर जानवर के ऊपर कुछ भी अत्याचार होता है तो खाली आप पुलिस वालों को ऐसा कार्ड दिखाओगे ना और वो आपका केस रजिस्टर करेगा। सपोज़ उसने नहीं किया तो आप उनके खिलाफ केस कर सकते हो, क्योंकि अकेला आप जाओगे तो आपको वो इंटरटेन नहीं करेगा। बट आप एक फाउंडेशन के थ्रू जा रहे हो तो उन्हें वो केस या जो भी आपकी बात सुननी पड़ती है। तो इस तरह से हम लोग ने रजिस्टर करके हम सब सारे मेंबरों को ये कार्ड भी हम दे रहे हैं। मैं आपका कार्ड बना के दूंगा ताकि इससे आपको किसी को भी एक सहायता मिल सकती है। सर है मेरा ये सवाल है, कहीं जैसे राजस्थान गुजरात कहीं हर जगह पर गौशाला है, मौजूद है, लोग गाड़ियों में चढ़ चढ़ के गौशाला के नाम पर धंधा वसूल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गौशाला में लापरवाही बरती जाती है और देखिए दूसरी संस्था के बारे में मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, मगर हमारा जैन जो समाज है, आज हमारे गुरुदेव ऋषभ चंद्री सुरेश्वर जी महाराजा मोहनखड़ा के जैसे गादीपति होते हैं, जब उनकी जब शिवराज सिंह जी की चौहान जब की सरकार जब आई थी तब उन्होंने कहा था कि संपूर्ण तरह से गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। और मैं नहीं बोल सकता कि क्या क्या नहीं चल रहा, वो आपको जनता को समझना चाहिए, मगर हमारा एनजीओ और हमारा जो समुदाय है और भगवान महावीर का संदेश है जियो और जीने दो, तो जैन समाज की बहुत सारी ऐसी संस्था जिसके जैन दो करोड़ों की ताकत से गौशाला देती है। अभी बहुत सारी ऐसी मेरे अंतर्गत भी 4 मालेगांव में गौशाला है, हैदराबाद में गौशाला है, ये सब चंदा देते हैं। बाकी वो विषय वो आपको समझना चाहिए, चंदा देना का नहीं था। बात सुनिए, अभी एक बात सुनिए, ATG आया, अभी राकेश भाई ने घर से काम चालू किया, खुद के द्रव्य से काम किया, अभी भी खुद के द्रव्य से ही बात करते। इनकी इच्छा नहीं थी कि प्रेंस कांग्रेस रखने की, जब ये हमारे पीढ़ी दी पीढ़ी गुरु परंपरा, इनको मैंने कहा कि राकेश भाई ये प्रिंस कॉम्प्रेस बाबजी मुझे अखबारों का नहीं, मैंने बात सुनो, जब तक ये कार्य आपका 10 के पास जाएगा, फिर 10 के बाद 20 के पास जाएगा, फिर 100 के पास जाएगा, फिर 50 के पास जाएगा, फिर 60 के जाएगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाएगा नहीं जाएगा, तो लोगों को प्रेरणा होगी कि मेरा ये बहुत सारे जीव दिया प्राणी दुनिया में कोने कोने में भरे मगर उनको सहयोग नहीं है। मगर ये हमारे जो शेरी इंडिया फाउंडेशन, हमारे जैन समाज के बड़े बड़े अभी जो आए हैं उन्होंने बोला जमींदार से बहुत सारे धनारी है, जहाँ पे घास नहीं पोछता, जहाँ पे कुछ गायों के लिए चीज़ें नहीं होती, हम वो पहुँचाएंगे, दूसरी संस्था पहुँचाए ना पहुँचाए ये मेरी गारंटी नहीं है, मगर मेरे समाज के द्वारा और लोगों के चीज़ के द्वारा हम वहाँ पे घास पानी और किसी और जगह जगह पे, और ये शेरी इंडिया फाउंडेशन ये इंडिया का इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाने की हमारी भावना है। महाराष्ट्र के हर एक कोने कोने के अंदर हम ये शाखा खोलेंगे। हमें शाखा खोलने के लिए सिर्फ पैसे की आवश्यकता, क्योंकि सरकार ने हर जगह पे एक गायों का हॉस्पिटल खोला है। सरकार से मांग यही चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल के अंदर हमें जगह दे
और हम और दूसरी हम लोगों ने एनिमल क्रुएल्टी के ऊपर जो आप 50 रुपया खाली पेनल्टी है एनिमल क्रुएल्टी के, तो हम लोगों ने सरकार को बोला कम से कम 50,000 रुपया उसकी पेनल्टी रखी है, जिससे अवेयरनेस रहेगी और कोई भी गवार इंसान जो जो एकदम बोलते हैं ना अनपढ़ गवार जिसे बोलते हैं, जो वो क्या सोचता है 50 रुपये तो पेनल्टी है तो जो क्रुएल्टी हो रही है ना वो बहुत कम हो जाएगी। तो ये हम लोग इन राइटिंग में सरकार को दिया जा सकते हैं। नहीं अभी तक हम लोग महाराष्ट्र के अंदर हमारे कम से कम आज 500 मेंबर है जो और अभी हम जितने भी छोटे छोटे फीडर्स है जो भी छोटे छोटे जो विदाउट नॉन नहीं नहीं फ्री ऑफ कोर्स, आप खाली आप फोटो दीजिए आपका, हम आपको ऐसा कार्ड बना के दे देंगे जिससे आपको भी एक मत बोलता ना एक प्रोटेक्ट वो मिलता है साथ में प्रोटेक्शन। हमारा तो मुद्दा तो ये था कि भगवान महावीर का संदेश है जीव और जीने दो जन जन तक फैले, और शेरी इंडिया जो फाउंडेशन जो राकेश भाई चला रहे इसी संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर जूदिया के लिए हॉस्पिटल हम खुद भी खोलेंगे और सरकार एक तो हेल्पलाइन नंबर के थ्रू आप कर सकते हैं, जो हेल्पलाइन नंबर है 1800123 1137, प्लस आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं शेरी इंडिया फाउंडेशन के नाम से, फेसबुक में ट्विटर में हर सोशल मीडिया पे हमें आप देखेगा।